और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम बकरे का मांस है। इसमें हमने चाप नली और कुछ गोल बोटियां ली हैं। और यह आधा किलोग्राम ही प्याज को हमने फांकियों में काट रखा है। तो आपको ये प्याज थोड़ी आवश्यकता से अधिक लग रही होगी, आधा किलोग्राम से अधिक लग रही होगी, लेकिन ये आधा किलोग्राम ही है। ये हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम पहले प्याज डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें बकरे का मांस सम्मिलित कर देंगे। ये हमने इसमें बकरे का मांस सम्मिलित कर दिया। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले सम्मिलित करेंगे। ये हम इसमें 1 से 2 तेज़पत्ता, स्वाद के अनुसार हम इसमें साबुत लाल मिर्च डाल रहे हैं। तो साबुत लाल मिर्च, ये मान के चलिए कि आधा किलोग्राम में 3 से 4 साबुत लाल मिर्च पर्याप्त होती हैं, तो हम ये तोड़ के डाल देंगे। और अगर अधिक तीखा करना है तो 1-2 एक्स्ट्रा भी डाली जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हम एक बड़ी इलायची, ये 4 लौंग, 2 हरी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी, और ये 8 से 10 काली मिर्चें इसमें डाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून के लगभग इसमें हमने जीरा छिड़क दिया है। अब समय है इसमें कुछ पिसे मसाले सम्मिलित करने का। तो पिसे मसाले में हम आधा टीस्पून से भी कम, लगभग आधा टीस्पून हल्दी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, 1 टीस्पून पिसा जीरा, 2 टीस्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए है, ये सम्मिलित कर देते हैं। थोड़ी सी अधिक भी डाल सकते हैं। तो ये हमने मसाले इसमें सम्मिलित कर दिए। अब इसमें हम सम्मिलित करेंगे सरसों का तेल। ये एक करछी है, तो ये खाना बनाने वाली थोड़ी छोटे आकार की है, तो ये हम 2 करछी इसमें सम्मिलित कर देंगे, क्योंकि प्याज थोड़ी अधिक है इसलिए हमने 2 करछी डाल दी। अब सारी सामग्री को एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। तो अब प्रेशर कुकर को हमने आँच पर रख दिया है। ये धीमे से थोड़ा तेज़ आँच है, और पहला जैसे ही पहली विसिल बजेगी तो आँच थोड़ा सा धीमा कर देंगे। आप ये मान के चलिए कि अगर आप गैस पर रख रहे हैं तो आप मध्यम आँच पर रखिए। मध्यम आँच पर 1 सीटी लगने दीजिए, उसके बाद आँच हम धीमी कर देंगे और फिर 3 सीटी और लगाएंगे। हमें टोटल 4 सीटियाँ देनी हैं। एक सीटी लग चुकी है, अब हमने आँच धीमी कर दी है।
अब हमें 3 सीटियां और देनी है इस धीमी आंच पर। तो प्रेशर कुकर में टोटल 4 सीटियां लग चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी आंच को स्वतः मुक्त होने देंगे, इसको निकालेंगे नहीं, इसकी सीटी से भाप मुक्त नहीं करेंगे, स्वतः मुक्त होने देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल कर देखते हैं। अब हम इसमें से जो मांस के पीसेस हैं उन्हें हटा लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो 4 सीटियां मैंने दी हैं ये आप मांस के हिसाब से दीजिए। अगर आपको लग रहा कि बकरे का साइज़ बहुत छोटा है, छोटा बकरा रहा है, तो आप सीटी 3 ही दीजिएगा, क्योंकि छोटा बकरा बहुत जल्दी गल जाता है उसका मांस, तो उससे क्या होगा कि हमारा रेसिपी फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब मैंने अपने हिसाब से जैसे जिस हिसाब से बकरे का आकार था, मीट की जैसी कंडीशन थी, उस हिसाब से मैंने इसमें 4 सीटियाँ दी हैं। और आपको लगे कि छोटा है तो आप 3 दीजिएगा, और बड़ा है तो भी 4 ही दीजिएगा, यानी कि 5 देनी है मैक्सिमम आपको इसमें 4 सीटियाँ देनी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी ग्रेवी को छान लेंगे। ये छन्नी से हमने इसके पानी को छान लिया है। ये प्याज का पानी है और इसमें थोड़ा सा मांस ने भी अपना रस छोड़ा है। जितनी देर तक ये बह रहा है इसको पूरा अच्छे से पानी को निकाल लेंगे, इतना काफ़ी है। थोड़ा बहुत रहेगा भी तो उसको रहने देते हैं। अब इसके बाद पुनः प्रेशर कुकर को आंच पर रखते हैं और छाना हुआ जो मसाला और प्याज है जो है ये मिश्रण को वापस प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और आंच को बर्नर को स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो ये मसाला है, ये प्याज है, इसको अच्छी तरीके से भूनना है और इसमें हमें थोड़ा सा तेल भी सम्मिलित करना होगा। तो इसको मध्यम आंच पर रखते हैं, थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल, अतिरिक्त तेल सम्मिलित करते हैं और इसको इसमें भूनते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून के लगभग अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। जो मित्र हमारे इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये मिश्रण हमने किस प्रकार तैयार किया है, लेकिन जो हमारे दर्शक पहली बार इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको हम बता दें कि ये इसमें हमने 2 भाग लहसुन लिया और 1 भाग अदरक को मिलाकर पीस लिया है थोड़े से पानी के साथ, ताकि बिल्कुल बारीक ही पिस जाए। तो ये अदरक लहसुन का मिश्रण हमने इसमें मिला दिया है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे।
आँच धीमी रखेंगे, धीमी आँच पे भुनेगा तो अच्छा इसका स्वाद भी अच्छा आएगा और इसकी रंगत भी अच्छी आएगी। थोड़ा सा हम इसमें तेल और डाल देते हैं, कम डाला हमने क्योंकि ये भुनना ज़रूरी है, अच्छे से ये भुने। बस इस प्रकार हम इसको भूनते रहेंगे और करछी चलाते रहेंगे। हमें इसको अच्छे से भूनना है ताकि इससे तेल अच्छे से पृथक हो जाए, इसका रंग थोड़ा गहरा हो जाए और फिर इसके बाद हम अगले चरण पर जाएंगे। तो इसको हम तकरीबन इसको हम 10 मिनट तो भूनेंगे। इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और सम्मिलित कर रहे हैं ताकि थोड़ी रंगत और बढ़ाएं इसकी, कम हमें लाल दिख रहा है ये। ये मसाला और प्याज अच्छे से भून चुके हैं, तली पे चिपकने लगे हैं, अब देख रहे हैं सूख सूख के चिपकने लगे हैं, तो ये अच्छी तरीके से भून चुके हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, हथेलियों के बीच में रगड़ेंगे और सम्मिलित कर देंगे। इसमें पुनः हम मटन सम्मिलित करेंगे, बकरे का मांस, और एक बार इसको इसमें मिला देंगे हल्के हाथ से ताकि ये टूटे ना पीसेस। सब कुछ भुन चुका है, हम ये जो हमने पानी निकाला था पहले वो भी सम्मिलित कर देते हैं। सबको अच्छे से अब मिला देते हैं। आँच तीव्र कर देते हैं ताकि आँच जल्दी गर्म हो सारी चीज़ें। थोड़ा सा पानी सम्मिलित करेंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी बने, ग्रेवी गाढ़ी भी रहे और सूख ना जाए, इस हिसाब से हम इसमें थोड़ा पानी सम्मिलित करेंगे। अब हमें इसमें सिर्फ एक सीटी और लगानी है, हमारा जो मांस है वो लगभग लगभग पका हुआ है, 4 सीटियाँ हमने पहले दे रखी हैं, तो हम इसमें बस एक सीटी और दे रहे हैं ताकि ये पक जाए, इसमें कलर अच्छा सा आ जाए और जो आँच होगी वो हमें तीव्र नहीं रखनी है, ये मध्यम आंच पर हमें एक सीटी देनी है। मटन करी पककर तैयार है, ये देखिए एकदम नई विधि से हमने आज ये मटन करी बनाई है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मटन करी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। चलिए इसे चावलों के साथ चक्कर देखते हैं।
वाह, मज़ा आ गया, बहुत ही लजीज। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।